गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 66 जो कि 17 दिसंबर के लिए है उसको सॉल्व करेंगे। आपका जो फर्स्ट फ्लाइट का 7th चैप्टर है ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया, उसका तीसरा पार्ट है टी फ्रॉम आसाम, उससे कुछ अंश दिए गए हैं और उसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इसको पढ़ के हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। दे शिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी वर आर ड्रिंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजीव सेड। दिस वो राजीव और प्रांजो दो फ्रेंड्स थे जो कि यात्रा कर रहे थे आसाम के लिए और अपने कंपार्टमेंट में बैठ के वो गर्म चाय की सिप ले रहे थे और उनके कंपार्टमेंट में सारे लोग चाय पी रहे थे। तभी राजीव ने कहा, क्या तुम जानते हो कि भारत में पूरे दुनिया में 80 करोड़ यानी 80 करोड़ लोग प्रतिदिन चाय पीते हैं। व्यू एक्सप्लेन प्रांजोल। प्रांजोल आश्चर्य से एकदम हो गया। अच्छा, देर टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। चाय तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन और फिर ट्रेन स्टेशन से चल दी। प्रांजोल ब्यूरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजोल फिर से अपनी जो डिटेक्टिव यानी जासूसी किताब पढ़ रहा था उसमें लग गया। राजीव टू आज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजीव भी जासूसी कहानियों का बहुत बड़ा फैन था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर टू ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन इस समय वह ट्रेन से यात्रा करते समय जो सुंदर दृश्य थे उनको देखने में काफ़ी उत्सुक था। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर। सभी जगह एकदम हरियाली थी। राजीव हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजीव ने कभी इतनी हरियाली नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू द टी बसेस। और इसके बाद फिर क्या हुआ, जो सॉफ्ट पैडी धान के जो खेत थे उनसे होते हुए आगे रास्ता टी बसेस यानी चाय की झाड़ियों की तरफ, ट्रेन झाड़ियों के बीच से जो रास्ता था उसे निकली। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू। एक काफ़ी शानदार दृश्य था अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडन हिल, यानी कि जो घना जंगल था, पहाड़ी थी, उसके स्लोप पे एसी ऑफ टी बुसेस, सामने पूरा एकदम चाय के पेड़ों के बागान के एकदम जैसे समुद्र फैले हुए थे एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक आँखें देख सकती थी। तो इसमें यह है कि कैसे ट्रेन से जाते समय उसे चाय के बागान के क्या क्या दृश्य दिखे, क्या क्या हरियाली दिखी और उन्होंने क्या बातें की, उस पर चर्चा है। अब हम प्रश्न को करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, राजीव वाज ऑन ए जर्नी टू सी हिज फर्स्ट टी गार्डन। ही वाज फीलिंग, अब देखिए राजीव क्या था, ऑन ए जर्नी टू सी हिज फर्स्ट टी गार्डन। वो जो है पहला जो है चाय का बागान देखने जा रहा था। वो कैसा हो रहा था, एक्साइटेड, उत्सुक था। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द पेयर ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेट। ये जो अंश दिया गया, उदाहरण दिया गया है, इसके हिसाब से नीचे दिए गए कौन से ऐसे दो पेयर हैं जो सही नहीं है। दे हैड आइस्ड टी ऑन वे, गलत है क्योंकि वो हॉट टी पी रहे थे, आइस्ड थी नहीं। राजीव वाज मेसमराइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द आउटसाइड, बिल्कुल सही है। प्रांजोल वाज मोर इंटरेस्टिंग रीडिंग अ बुक, ये भी सही है। पाइन ट्री का कहीं चर्चा नहीं है, तो आपका डी जो है फर्स्ट और फोर्थ ये सही है। द एक्सट्रैक्ट यूज द फ्रेज गेव वे, एक फ्रेज यूज हुआ है मार्क एज एक्स, यानी आपको रॉन्ग का निशान लगाना है। द एक्सप्रेशन विच इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड गेव, तो यहाँ पे डी है या ये सही होगा, यहाँ पे लगेगा। अगला आपका फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू बिलीव इन द लीजेंड मैंसेंड इन द स्टोरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ टी। तो आप जब चाय की जो टी फ्रॉम आसाम पढ़ोगे तो इसमें दो स्टोरीज हैं, मतलब पुरानी कहावतें हैं जिनके अनुसार ये माना जाता है कि चाय का आविष्कार हुआ, कैसे लोगों ने चाय पीना शुरू किया। तो क्या आप उसे मानते हैं सत्य। विच वन आउट ऑफ द टू सीम्स मोर प्लॉजिबल एंड व्हाई, आपको उन दोनों में से कौन सबसे सही और सही लगती है और क्यों। What do you think makes tea such a popular beverage around the world? आपको क्या लगता है कि किस कारण से चाय सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो है एक पेय पूरी दुनिया में है।
तो इससे इसमें आपको 100 to 120 वर्ड्स के लिखने हैं, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसे आप खुद लिखेंगे बच्चों। आपको ये जो 2 स्टोरी है उनमें से कौन सी स्टोरी है उसे आप लिखेंगे, वो लगभग 50 to 60 वर्ड की हो जाएगी। और इसके अलावा क्यों लोगों आपको लगता है कि क्यों पॉपुलर है, आपके मन में जो भी विचार होंगे वो आप इंग्लिश में लिखने का प्रयास करेंगे। अगला है 5th क्वेश्चन, यूज इनडायरेक्ट स्पीच टू कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। आपके देखिए सीमा और अंगद दो फ्रेंड हैं, दोनों का कन्वर्सेशन है, इसको आपको अब ये डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में करना है। तो देखिए सीमा, व्हेन वाज रोम बिल्ट, रोम कब बना। तो सीमा चूंकि क्वेश्चन कर रही है, तो सीमा आस्क्ड अंगद व्हेन रोम वाज बिल्ट, ये लिखिएगा, यहाँ हो जाएगा सीमा आस्क्ड अंगद व्हेन रोम वाज बिल्ट, ये पहले में आप लिखेंगे। अंगद एट नाइट, रात में, तो अंगद ऐसे नहीं लिखे, अंगद रिप्लाइड दैट इट वाज बिल्ट एट नाइट। तो पहले तो आपने कर लिए, अब हम इसको मिटाते हैं, तीसरे पे चलते हैं। सीमा, व्हाई डू यू से दैट, तुमने ऐसा क्यों कहा। तो सीमा फर्दर आस्क्ड व्हाई ही सेड दैट। सीमा फर्दर आस्क्ड व्हाई ही सेड दैट, उसने ऐसा क्यों कहा। अब इसको मिटा के अगले चलते हैं। अंगद, बिकॉज माई मम ऑलवेज सेज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, अंगद टोल्ड हर दैट हिज मॉम ऑलवेज टोल्ड him told him नहीं लगा, आप said भी कर सकते हो, because अंगद told her that his mom always said Rome was not built in a day। ये पूरा अपना ये वाला जो है यहाँ से ये उतार दोगे, Rome was not built in a day। तो ये पूरा आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, इसे आप लिखेंगे। क्योंकि लिखने में थोड़ा आप स्पेलिंग में हो सकता है एरर हो, एरर मतलब आपको सही नहीं दिख रहा हो, तो आप इसे रोक के जो मैं बोल रहा हूँ उसे उतार सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।